हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पीडीएफ क्रिएट करना सीखेंगे। जो भी प्रोजेक्ट हम मार्कशीट या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्कशीट हम लोगों ने बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 3 BLI 224 का असाइनमेंट प्रैक्टिकल। हम इसका पीडीएफ क्रिएट करेंगे। पीडीएफ क्रिएट करने के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका इमेज बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हर सिस्टम का अपना एक शॉर्टकट की है। आपके कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का बटन भी दिया है, आप उसको प्रेस करके प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। मेरे पास तो ऑप्शन है स्क्रीन स्निप का, जिसे मैं यूज़ करूँगी स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लस का साइन दिखेगा, जिसका आपको यूज़ करना है अपना एरिया सिलेक्ट करने के लिए, जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप एरिया सिलेक्ट करके प्लस साइन को रिलीज़ करोगे तो आपका इमेज आपको शो होगा। उस पर क्लिक करके आप उसे सेव कर लेना है। हमें हमारा इमेज मिल गया। अब हम इसका पीडीएफ बनाते हैं। पीडीएफ बनाने के लिए हम एमएस वर्ड खोलेंगे और एक नई शीट पे वर्क करेंगे। ब्लैंक शीट पे हम अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। क्वेश्चन टाइप करने के बाद हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। वो पिक्चर इंसर्ट करेंगे जिसका भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, ऑप्शन पिक्चर्स पे, और जहाँ भी हमने अपनी फाइल सेव करी थी वहाँ से हम अपनी फाइल पिक करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीनशॉट हमारे पेज पे आ गया है। हम इसे थोड़ा एडिट कर लेंगे पीडीएफ बनाने से पहले। यहाँ मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ और हम इसे क्रॉप भी करेंगे ताकि हम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें कट कर सकें जो हमें स्क्रीनशॉट में नहीं चाहिए। हम अपनी इमेज को बॉर्डर भी दे रहे हैं ताकि जो हमारा इमेज है वो अच्छे से हाईलाइट हो। यू गाइस कैन सी हियर कि हमारा कंटेंट तो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसका फाइनल पीडीएफ बनाते हैं। देन हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल ऑप्शन पे जाके हम सेव एज पे जाएंगे। नेक्स्ट हम अपनी फाइल सेव करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ का एंड हम अपनी फाइल को नेम देंगे और इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हेयर यू कैन सी कि हमारी फाइल पीडीएफ में तैयार है। अब आप इसे जैसे यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने असाइनमेंट में। मैं यहाँ बाकी क्वेश्चंस के भी पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, आपको लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।